दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी घर पर झटपट किस तरह से दही जमा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से दही जमाएंगे तो आपका दही बहुत ही गाढ़ा जल्दी जमकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताती हूँ ये नई टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दूध को थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है। आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो दूध की, जितना आपको एक्स्ट्रा दही बनाना है वो हिसाब से। तो देखिए दूध थोड़ा गर्म होने को आया है, मैं चेक करके आप लोग को बता देती हूँ। ये देखिए हल्का हल्का गुनगुना हो रहा है दूध। तो अब मैं इसका फ्लेम जो है बंद कर देती हूँ, हमें इतना ही गर्म चाहिए दूध को। तो दूध मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ, साइड में रख रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले दही बनाया था, उसका दही थोड़ा सी बच गया है, तो उसके ही मैं दही बनाऊंगी। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच ये दही है और हमें इस दूध में डाल देना है। तो ये मैं दूध में डाल दे रही हूँ और दोस्तों इसको अब थोड़ा सी हिलाना है ताकि जो मैंने दही को डाला है वो सारे हर एक दूध में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दूध को अब मैं ढक देती हूँ। ढक के अब मुझे इसको रखना है 6 से 7 घंटे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 घंटे हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा दही किस तरह से जमा है। तो चलिए मैं इसको खोल के देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जो है देख सकते हो हमारा दही कितना बेहतरीन जमा है। आप इससे लस्सी, कढ़ी या अपनी पसंद की कोई भी रेसिपी जो है बना सकते हो। अगर आप खाने में दही खाना पसंद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गर्मी में दही खाना ही चाहिए। तो ये देख सकते हो हमारी दही कुछ इस तरह से जमकर तैयार हुई है। दोस्तों, आपको मार्केट से दही लाने की झंझट की ज़रूरत नहीं है, आप जो है घर पर ही इस तरह से दही जमा सकते हो। तो दोस्तों, ये देख सकते हो कितना गाढ़ा ठीक दही जमा है हमारा। कोई कहेगा नहीं कि ये हमने घर पर ही जमाया है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से दही जमकर तैयार हुआ है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। मेक श्योर आप लोग को ये पसंद आया होगा तरीका। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच जाएगा। तो फिर से मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।